Canada has less competition and less competition leads to more monopoly and more monopoly leads to high inflation. आप कहोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कनाडा केस में ज़रूरी है बिकॉज कनाडा में MRP नहीं होता, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता और कोई भी कमोडिटी कभी भी सेम नहीं रहती, हर दिन के साथ उस उसका प्राइस बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कम बहुत कम होता है, कम ज़्यादा ज़रूर होता है। विंटर्स के टाइम पे, लाइक अभी विंटर्स है तो विंटर्स के टाइम पे चीज़ें और एक्सपेंसिव हो जाती है, चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतनी फैक्ट्रीज वेयर हाउस है नहीं और ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें प्रोडक्शन हो सके, करना चाहे कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो बनाती है फॉर द बिजनेस पर्पज़ के रिगार्डिंग, वो काफ़ी मतलब नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बंदा अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में क्या होता है, अगर मैं उसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आप कनाडा में जगह बाय करते हो, आप बिजली का बिल पे करते हो, लेबर रखते हो, मतलब किसी को एम्प्लॉय रखते हो, तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर बंदा क्या करता है, जो बिजनेसमैन क्या करता है, चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, वो ऐसी जगह पे अपना बिजनेस सेटअप करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, जहाँ पे उसका रिटर्न ज़्यादा हो, जहाँ पे लेबर बहुत चीप हो, लाइक इंडिया, लाइक वियतनाम, ताइवान, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, निकाराग्वा, पनामा, इक्वाडोर, तो इस तरह की जगह पे रखते हैं। क्योंकि अब मैं कनाडा केस में बताऊँ तो कनाडा के पास में पड़ता है लैटिन कंट्रीज़, तो जितनी भी कंट्रीज़ है वो कोशिश करती है कि हमारी जो प्रोडक्शन या मैनुफैक्चरिंग यूनिट है वो लैटिन कंट्रीज़ में हो। तो दिस इज़ द रीज़न जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी गुड्स है, खासकर एग्रीकल्चर हो, मीट हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, वो लैटिन कंट्रीज से आता है। जितने भी फिनिश गुड्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे कपड़े हो, वो हसारा चाइना से, इंडिया से आता है। एंड सेम गोज़ टू इंडस्ट्रियल यूनिट ऑल्सो, वो यूएस से, चाइना से, इंडिया से आता है। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग बहुत कम है और जितना भी प्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग है ना, वो सिर्फ ऑन्टारियो प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलम्बिया प्रोविंस में और क्यूबेक प्रोविंस में। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रायन विलियम्स की है, मैं आपको दिखाऊंगा, यू गॉट टू नो बाय योर सेल्फ कि उन्होंने क्या बोला, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। मैं आपको ये चीज़ें, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि यू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि अगर आप कनाडा आ रहे हो या कनाडा में हो, देखो पहली बात तो कनाडा में पैसा जो है ना जॉब में नहीं है, बिजनेस के अंदर है। अगर आपके पास स्किल्स है देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अगर आप सिर्फ जॉब करोगे सिर्फ पर आवर के हिसाब से तो इट वुड बी वेरी हार्ड कि आप सर्वाइव कर पाओ, घर तो आप नहीं खरीद पाओगे, रेंट अपना पे कर पाओ, एक्सपेंसेस अपने निकाल पाओ, बहुत अच्छी बात है। देखो आखिरी में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा बिफोर मैं आपको वीडियो पे एट द एंड ले जाऊँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन टू कैनेडा मेक श्योर चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। दूसरी चीज़, आप किसी भी वीज़ा पे आते हो उस प्रोविंस के बारे में ज़रूर चेक करना कि आप जिस जॉब करना चाहते हो, जिस तरह की जॉब करना चाहते हो, आप स्टडी वीज़ा पे भी आते हो, क्या वहाँ पे PR मिलना ईजी है, क्या वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। एंड जैसे अभी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, अभी टेम्परेचर -35 है, ऐसी गलतियाँ आप मत करना क्योंकि यहाँ पे फ्रोस्ट बैठ हो जाता है। घर मेरा पास में है इसलिए मैं बाहर खड़ा हुआ, अदरवाइज आई वुड से अगर आप फर्स्ट टाइम कैनेडा हो और आप सू फॉल में हो तो टेक प्रिकॉशंस ज़रूर लेना, बिकॉज यहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही वाहियात है और पब्लिक सेक्टर, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है। Canada has a competition problem. Cell phone bills. Canadians pay the highest cell phone bills on the whole planet for internet. We pay some of the highest fees. Banking. 6 banks control 80% of all the mortgages in Canada. Airlines. 85% of all our airlines are controlled by 2 companies in Canada. Groceries now been whittled down to only 3 Canadian companies and 2 American companies that control 80% of all the groceries in Canada. Large monopolies should not be able to merge with one another. The large monopolies should not be able to gobble up other smaller competitors. That is the key we're missing in the Competition Act. When we have Canadian monopolies buying small competitors just so they can get bigger, just so they can make more money on the backs of hard-working Canadians, that's wrong. And to break that up, to change the Competition Act, that takes courage, and that's what we want to do as conservatives on this side of the house. Competition is freedom of choice and freedom of courage. Let's have the courage to change the Competition Act, to create competition for a change. For my home, for your home, for our home. Mr. Speaker, let's create competition and bring it all. At the end, agar aapke mind mein hogi mujhe Canada hi jana hai, kyunki bahut log ke mind mein होता है कि देखो स्ट्रगल तो मुझे अपनी होम कंट्री में भी करना है, स्ट्रगल तो मुझे कनाडा में करना है, तो इससे बेटर है कि मैं कनाडा में स्ट्रगल करूँ एज कम्पेयर टू होम कंट्री में। देखो हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है और हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है सेम चीज़ को देखने का, वो आपका अपना है। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ देखो घर यहाँ पे नहीं बाय कर सकते हो, इट्स वेरी कॉस्टली। अब 3 to 4 times यू हैव टू पे, और घर पे इन्वेस्ट करके आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको उसका रिटर्न मिले, जहाँ पे उसको आप उसकी इनकम जनरेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस खरीद लो, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो और कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले लो, अपना वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस चलाओ, तो वहाँ से आपको उसका रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे टैक्स सिस्टम काफ़ी ख़राब है, टैक्स यहाँ पे बहुत लगता है, जॉब्स पे भी, पैसे में भी, मतलब जॉब्स में भी, बिजनेस के अंदर भी। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ स्किल्स, यू शुड हैव अ रोड मैप, यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड यू नो हाउ टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ एंड यू नो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड आपको पता होना चाहिए कि पैसे कमाया क्या जाता है। अदरवाइज आपको सिर्फ ये होगा कि मुझे सिर्फ जॉब करनी है, पैसा कमाना है, कनाडा जाना है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई सिर पैर की चीज़ नहीं है, बस कनाडा जाना है, कोई फ़ायदा नहीं है। यू विल फील डिप्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन चीज़ है। आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, आपको आखिरी में सारे डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे, नो वन विल हेल्प यू आउट। डजंट मैटर वो आपको लगे कि मेरी होम कंट्री से है, मेरी स्टेट से बिलोंग करता है, मेरे शहर से है, मेरी सिटी से, नो वन विल हेल्प यू आउट। माँ बाप के अलावा कोई आपका साथ नहीं देता। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। अगर आप कनाडा में हार्डवर्क करते हो, पैसा कमाते हो, अगर आपके पास स्किल्स, आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी करते हो, फ्रीलांसिंग भी करते हो, कनाडा में पैसा कमाओ, अपनी होम कंट्री में घर बाय करो। स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो इंडियंस हैं, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है, इंडिया की जो इकॉनमी है, वो काफ़ी ग्रोइंग इकॉनमी है और वहाँ पे बूमिंग सेक्टर है हर चीज़ के रिगार्डिंग। आप कनाडा में डॉलर्स कमाओगे, इंडियन में खर्च करोगे, क्योंकि एक कनाडियन डॉलर 62 रुपीज़ के बराबर होता है। तो इंडिया में प्रॉपर्टी बाय करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कनाडा में स्टार्ट करोगे। अगर प्रॉपर्टी बाय करोगे, बिजनेस अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी बाय मत करो, क्योंकि वो एक बहुत गलत डिसीजन होगा आपका, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आप कितना अर्न करते हो, इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा ओपिनियन था। बाकी वीडियो कैसी लगती है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हो, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।